नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रायंगल्स। लास्ट क्लास में हमने वेरियस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, वेरियस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखे थे। नाउ वी विल सी अबाउट द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या उसकी जो साइड्स का रेशो होता है, जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उसका उसके एरिया के रेशो से कोई संबंध है। हम इस चीज की जांच करेंगे कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है और इसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर है और इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है और बाकी चीज़ें भी सिमिलर हैं। मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल पाया जाता है, तो डबल ए या ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ए बी सी डी ई एफ, ये बात हम पीछे देख चुके हैं कि कोई भी दो चीज़ सिमिलर होती है, जैसे हम और हमारा फोटोग्राफ सिमिलर होता है, तो हमारे आँख से नाक तक की दूरी, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन आईज एंड नॉस्ट्रिल्स इन आवर इन माई फोटोग्राफ एंड इन माई फेस आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू द सेम रेशो विच इज़ प्रोपोर्शनल टू ईयर टू नोज। तो उन अगर 10 गुना छोटा मेरा फोटोग्राफ है तो हर चीज़ उसमें 10 गुनी छोटी होगी। तो इसलिए जो इनके साइड्स का रेशो है वही इनके मीडियंस का रेशो होता है और यहाँ तक कि वही उनके एल्टीट्यूड का रेशो होता है, क्योंकि सिमिलर में तो कहीं से कहीं भी चीज़ मिला लो तो वो चीज़ तो फिर उसी रेशो में होगी। मेरा कहने का मतलब है कि ए एम डी एन, तो जो इसका रेशो इससे वही इसका रेशो इससे होगा। सिमिलर चीज़ में तो हर चीज़ सेम रेशो में, कि अगर हमारा फोटो हमसे 10 गुना छोटा है तो कोई भी चीज़, हमारी नाक उसमें 10 गुनी छोटी होगी, हमारे लिप्स 10 गुने छोटे होंगे, तो हर चीज़ कहीं से कुछ भी मिला लो। जरा हम देखें तो कि ये अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो पहले का एरिया क्या होगा, तो एरिया ए बी सी इज इक्वल्स टू, तो बेस, तो इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट इज एम, और एरिया डीईएफ, सो डीईएफ में भी यही होगा कि हाफ इंटू बेस, बेस यहां कितना होगा ईएफ, और इंटू डीएन, तो हाफ से हाफ कट कर दीजिए तो BC और EF का रेशो क्या होगा। अगर ये 2/6 है यानी 1/3 का रेशो है तो इसमें भी 1/3 का ही रेशो होगा। सो वॉट विल बी द रेशो ऑफ BC एंड EF, चीजें सिमिलर हैं तो इसलिए BC बाई EF का क्या रेशो होगा और AM बाई DN का क्या रेशो होगा, तो एल्टीट्यूड का भी वही रेशो होगा, और भी कुछ मिलाना हो कहीं से कुछ सबका सेम रेशो होगा, वो इसमें 3 गुना होगी, इस वाले बड़े फिगर में हर चीज 3 गुना होगी। तो इसका जो रेशो है वो 1/3 है और इसका भी रेशो 1/3 है, तो इसलिए ये 1/3 का स्क्वायर है, यानी छोटे ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाई बड़े ट्रायंगल का एरिया, इट इज नथिंग बट द रेशो ऑफ, जैसे ए बी बाई डी ई था तो ए बी बाई डी ई वो 1/3 है, आप देख रहे हैं 2/6 है तो उसका स्क्वायर, या आपकी मर्जी वो साइड लेने की ना हो तो हो सकता है आप बी सी बाई ई एफ लेना चाहते हो तो वो ले लेना, वो भी 1/3 के रेशो में होगा। वो भी ना लेना चाहें तो आप ए सी बाई DF ले लें, उसका स्क्वायर होगा। सो द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये भी ना लेना चाहें तो एल्टीट्यूड का रेशो ले लें, ये भी ना लेना चाहें तो मीडियन का रेशो ले लें,
और कुछ भी ना लेना चाहे तो कहीं से कहीं को मिला दें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, उसका रेशो ले लें, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, तो इसलिए ये इससे आती है। तो हम इस फंडामेंटल चीज में कि द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसको एक थ्योरम के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर उसका प्रूफ करेंगे। सो थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6, व्हाट डज इट से? इट सेज दैट द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the square of the ratio of to the square of the ratio of their corresponding sides. अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में खूब किए हैं कि एल्टीट्यूड और उसका रेशो और इसी तरीके से साइड का रेशो, वो सब सिमिलर पाया गया है, तो मीडियन भी सिमिलर पाई गई है तो हमें मालूम है, तो इसलिए हमने एल्टीट्यूड का भी 1/3 लिया और ये भी लिया है। और चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने ये बता दिया था कि सिमिलर ट्रायंगल में कहीं से किसी को भी मिला दो, उसका वही रेशो रहेगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो उसके साइड्स का रेशो होता है, इसीलिए उसे सिमिलर कहा जाता है। कोई भी चीज़ 10 गुना बड़ी है तो उनकी हर एक चीज़ पहले वाली में और दूसरे में 10 गुने का ही अंतर होगा। नाउ लेट अस प्रूव इट, जो ये थ्योरम कही गई है कि द रेशो ऑफ एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इज स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसमें हम फिर से वही फिगर बनाते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, तो उस फिगर को बना लें। दीज आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, एक है ए बी सी, सेकेंड है पी क्यू आर, और इसमें एक ये हमें प्रूव करना है, तो ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ए एम और पी एन। ये तो गिवन में सिर्फ आपको इतना दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, इतनी सी बात दी है बस। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो चीज ऊपर लिखी है वही प्रूव करनी है कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, दैट इज बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर ही उसका एरिया होता है। अगर ये 3 गुना होगा इसका तो रेशो 9 गुना हो जाएगा एरिया का, अगर एक साइड 3 गुनी तो एरिया इससे इसका 9 गुना, सीधी बात। और सी ए बाई आर पी ये चीज है। तो अब जरा देख लें इस चीज को, ये चीज किसी भी जगह ट्रू है। अगर आप देखें तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि मान लें दो चीज दी गई है, एक ये फिगर है और एक इसका बड़ा फिगर है ये। अब ये देखो, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो, और अगर ये मान लो इसका डबल है, 6 ट्रिपल है, और ये 3 है तो ये भी ट्रिपल है, हर चीज मैग्नीफाइड है 3 गुना, तो 3 है तो 3 का ट्रिपल 9,
तो आप समझ जाइए यहाँ तीन गुना साइड है, हर साइड तीन गुना है। जरा इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो 6, और जरा इसका निकालो तो 54। तो ये जो एरिया आया है 6/54, ये 1:9 है। तो ये तो आपने साइड ले ली, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, और ये वाली साइड है। एरिया 6 और 54 है, तो एरिया का रेशो 1:9 आया। क्या ये 1/3 का स्क्वायर है जो इनकी साइड के रेशो का स्क्वायर है? तो ये ट्रायंगल में ही नहीं एक्सटेंडेड है ये एरिया का फार्मूला, ये किसी भी पॉलीगन में ट्रू है कि जो भी हो रेक्टेंगल में भी ट्रू हो रहा है कि साइड का रेशो 1:3 तो एरिया का रेशो 1:9 यानी 1/3 का स्क्वायर। यही चीज़ तो यहाँ भी लग रही है, हर जगह लगेगी। तो इस तरीके से ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है और काफ़ी कुछ इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। इट इज़ एरियल मैग्निफिकेशन। तो लाइट चैप्टर में भी अगर आप देखोगे तो इस चीज़ को साइड को कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन और एरिया को कहेंगे एरियल मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन इज स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, वही चीज हम यहां भी प्रूव करने जा रहे हैं। नाउ आप देखें कि इसका प्रूफ आसान है। प्रूफ देखो, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ऐसी बात है तो ए बी का रेशो, ए बी यहां ए बी लो और अपॉन पी क्यू ले लीजिए, पी क्यू ठीक है। और साथ में ये चीज कही जा सकती कि अगर ये सिमिलर हैं, नाउ इफ दे आर सिमिलर तो इनका बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, ऐसा कर लें। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ऐसा ये गिवन है। और ये बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू क्यों हमने लिखा? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये ना लें ए बी पी क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इसलिए हुआ। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डाला गया है तो प्रूफ में आप ये ऐड कर दें कि ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, क्योंकि आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको अगर प्रूफ करना है तो ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये आप ड्रॉ कर लें। ये चीज हमने ड्रॉ कर ली। अब देखो बी क्यू के इक्वल हो गया और ए एम बी किसके इक्वल हो गया? ए एम बी इट इज इक्वल्स टू एंगल पी एन आर, क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। तो अब दो एंगल इक्वल हो गए हैं इस छोटे छोटे ट्रायंगल में, दो एंगल इक्वल हो गए हैं। तो अब अगर इक्वल हैं तो बाई डबल सिमिलरिटी, एक तो हमने बी को ही इसके इक्वल कर दिया, ये देख लो, और दूसरा ये एम 90 है और ये भी 90, तो दो एंगल इक्वल हो गए हैं। सो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया इन किस में लगाओगे? बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया इन ट्रायंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन, पी क्यू एन में लगाने पर। तो ये चीज आपने ली ये दोनों, सो ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन के सिमिलर हो गया। और अगर सिमिलर है तो ए बी बाई पी क्यू इज द सेम रेशो एज ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन, ये चीज ये सेम रेशो हो गया। फर्दर
इसके अलावा जो हमें सिमिलरिटी दी गई थी, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, सो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, उसी ऑर्डर में लेते जाओ, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो एक इक्वेशन ये बन गई और सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। तो फर्स्ट और सेकेंड में अगर देखोगे तो ए बी बाई पी क्यू इसके भी इक्वल है और इसके इक्वल है, तो सब कुछ इक्वल हो गया, ये तीनों तो इक्वल है, ये भी अब इसके इक्वल हो गया। सो बाई वन एंड टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू ए एम बाई पी एन। ये तो होना ही था, सिमिलर ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड भी प्रोपोर्शनल होंगे, मीडियन भी होगी। खैर उसको हमने करके दिखा दिया, अब ये हो गया। अब जरा देखिए, तो अब हम निकालेंगे एरिया ए बी सी। तो एरिया ए बी सी क्या होगा? एरिया ए बी सी होता है हाफ इंटू बेस, तो जरा बेस देखो, बेस तो बी सी है, और इंटू परपेंडिकुलर ए एम, तो हाफ इंटू बेस दैट इज बी सी, और इंटू परपेंडिकुलर जो कि ए एम है, थोड़ी देर पहले ये हमने करके भी दिखाया था एग्जाम्पल लेके, तो ये चीज हो गई। अच्छा, एरिया पी क्यू आर क्या होगा? इसको आप इसको पैरेंथेसिस में रखिएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्यू आर है तो क्यू आर ले लीजिएगा, आप देखो क्यू आर है बेस और पी एन इस पे परपेंडिकुलर है, सो हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। और अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, सो इक्वेशन थ्री डिवाइडेड बाई इक्वेशन फोर, इनको डिवाइड कर दें। ऐसा करने से एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन, ये चीज। तो हाफ से हाफ कट गया और यहाँ क्या आ गया, बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी बाई क्यू आर और ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन, ये तो बी सी बाई क्यू आर जो है वही तो ए एम बाई पी एन है, तो इसलिए हम ए एम बाई पी एन की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई पी एन की जगह बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं। आप इसे फिफ्थ इक्वेशन ले लें, वन टू थ्री फोर, ये लिए फिफ्थ ले लीजिए। तो इसलिए इसे क्या लिखा जा सकता है, बी सी बाई क्यू आर इंटू बी सी बाई क्यू आर, क्योंकि ए एम बाई पी एन तो बी सी बाई क्यू आर ही है, तो इसकी जगह ये लिख दो, फिर से बी सी बाई क्यू आर लिख दो। ऐसा हम फिफ्थ इक्वेशन से कर सकते हैं। सो अब देखिए कि यहां पर इट इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इंटू, तो ए एम बाई पी एन को भी हम बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं, इट इज बाई इक्वेशन नंबर फाइव। इक्वेशन नंबर फाइव में ऐसी बात कही है कि ए एम बाई पी एन इज बी सी बाई क्यू आर, सो हमने उसको वैसे ही लिख दिया है। नाउ इट इज बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, सो एरिया जो है वो क्या आ गया, नाउ एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर, इट इज बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर, बट बी सी बाई क्यू आर चूंकि ट्रायंगल्स जो भी हैं वो सिमिलर हैं, तो जो बी सी बाई क्यू आर है वही ए बी बाई पी क्यू है, वही ए सी बाई पी आर है, सो हम तीनों के इक्वल कर सकते हैं,
सो एज गुड एज ए बी सी बाई क्यू आर सेम इज ए बी बाई पी क्यू सेम इज ए सी बाई पी आर. सो जो भी एरिया है वो किसी एक साइड के रेशो के इक्वल नहीं होगा क्योंकि सारी साइड्स का तो वही रेशो है. तो ये चीज़ अब ए बी बाई पी क्यू के भी इक्वल होगी होल स्क्वायर के, और साथ ही साथ ये ए सी बाई पी आर के होल स्क्वायर के भी इक्वल होगा. और ऐसा ये इक्वेशन नंबर टू से होगा क्योंकि इक्वेशन नंबर टू जो है वो इसका एक्सट्रैक्ट है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल. इसी से तो हमने निकाला है. तो करस्पॉन्डिंग ये भी लिखना होगा आपको, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स तो वो प्रोपोर्शनल हमने दिखा दी और वही चीज यहां पर हमने लिख दी. और इससे ये प्रूव हो गया कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है. सो हेंस प्रूव. अब देखिए इसी सिर्फ एक थ्योरम पर बेस्ड पूरी एक एक्सरसाइज बनी है. तो ये एक्सरसाइज सिंपल हो जाती है सिर्फ एक थ्योरम पर, इसी फार्मूले पे चलेगी पूरी. सो नाउ एग्जांपल 9. एग्जांपल 9 में कहा गया है कि एक फिगर भी दिया है. सो फिगर क्या है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू द साइड ए सी. ए सी के पैरेलल बताया गया गिवन में, और ये ए बी सी एक ट्रायंगल इतना दिया गया है. सो गिवन में क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी और साथ में एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी ये दिया है. और द एरिया ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. दिस लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया. सो एक्स वाई डिवाइड्स ट्रायंगल ए बी सी इनटू टू इक्वल एरिया. ये भी बात दी है कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है. तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड रेशो ऑफ ए एक्स बाई ए बी. ए एक्स बाई ए बी क्या है ये पता करना है. अब जरा देखें. सो सॉल्यूशन नाउ यहां पर ये जो ट्रायंगल है, एक ये छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, तो इन दोनों में बी कॉमन है. दो ट्रायंगल हैं, एक एक्स बी वाई और एक ए बी सी. तो एक तो दोनों में बी कॉमन हो जाएगा और दूसरा कोई भी एक एंगल उठा लीजिए, ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ये कौन, एक कोई भी ले लीजिए. तो छोटे ट्रायंगल में एक ही एंगल और बड़े ट्रायंगल में एक ही. तो इन ट्रायंगल एक्स बी वाई एंड ट्रायंगल ए बी वाई, तो दोनों में एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन, और साथ में बी एक्स वाई इज बी ए सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्योंकि दिया है पैरेलल है. तो इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये चीज हो गई. अब जरा देखें इसके बाद बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया. डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया उससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. ट्रायंगल एक्स बी वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी वाई, इसको हमने सिमिलर कर दिया. अब अगर ये सिमिलर हो गए हैं
तो सिमिलर ट्रायंगल में जो उनका एरिया होता है, एक छोटा ट्रायंगल है, दिस इज स्मॉलर ट्रायंगल, और एक इसी में बड़ा ट्रायंगल है, सो दिस इज लार्जर ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल हैं यहाँ पर, एक स्मॉलर ट्रायंगल एंड वन इज लार्जर ट्रायंगल, तो इस तरीके से है। दिस इज बी एक्स वाई एंड दिस इज बी ए सी, ऐसा है, और हमने उन दोनों को सिमिलर कर दिया है, दैट इज एक्स बी वाई और ए बी सी को सिमिलर कर दिया है। अब जरा देखें, तो एरिया ए बी सी, तो एरिया कौन कौन से हैं, एक्स बी वाई और ए बी सी लिखिए, ए बी वाई नहीं, ए बी सी, क्योंकि ये फुल ट्रायंगल है, ए बी सी, तो इस तरीके से ए बी सी। अब देखो, जब ये सिमिलर हो गए हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, एरिया एक्स बी वाई और ए बी सी का क्या रेशो होगा, सो एक्स बी वाई अपॉन एरिया ए बी सी इट इज इक्वल्स टू, जो इनकी साइड्स होगी उसके रेशो के इक्वल होगा, सो दैट विल बी द इक्वल टू रेशो ऑफ एक्स बी, जरा चेक करें, एक्स बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। जब सिमिलर हैं तो सिमिलर में ये एरिया थ्योरम है, एरिया थ्योरम से जब भी कोई चीज़ सिमिलर होती हैं तो उन सिमिलर चीज़ों में जो उनका एरिया का रेशो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइज, तो इसमें एक्स भी लिया और इसमें ए भी लिया, उसके स्क्वायर के इक्वल है, सो द करस्पॉन्डिंग एरिया रेशो ऑफ द एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये हमारी एरिया थ्योरम है जो थोड़ी देर पहले की है। अब जरा देखें, नीचे जो एरिया ए बी सी है वो किसके किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो पूरा एरिया क्या होगा, अब ये हाफ में डिवाइड कर रहा है, मान लो इसका 4 मीटर स्क्वायर, इसका भी 4 मीटर स्क्वायर है, तो जो पूरा एरिया होगा वो 8 मीटर स्क्वायर होगा, वो इस एरिया का भी डबल होगा और इस एरिया का भी डबल होगा, क्यों, क्योंकि जो पूरा एरिया है वो आधे एरिया का डबल होगा, दोनों आधा आधा एरिया है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एरिया एक्स बी वाई और अपॉन पूरा एरिया क्या है, 2 टाइम्स एरिया एक्स बी वाई, आधे एरिया का डबल, ये चीज हो गई। और राइट में क्या है, एक्स बी बाई ए बी का स्क्वायर, ये चीज एरिया एक्स बी वाई कट गया तो 1/2 बचा, और स्क्वायर रूट ले लो तो 1/√2, इट इज इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन ए बी, एक्स बी अपॉन ए बी है, बट हमें ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए, एक्स बी नहीं चाहिए, ए एक्स अपॉन ए बी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। नाउ अब देखिए, तो इसमें आप -1 कर दें, तो -1 कर दें, तो 1/√2 -1, और उधर भी ऐसा कर दें, एक्स बी अपॉन ए बी -1, ये कर दिया, और एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने पे नीचे √2 आएगा और 1, और ये 1/1 है, तो 1/1 करने से 1 -√2, और यहाँ भी आप ऐसे एलसीएम ले लें तो ए बी, तो दिस इज एक्स बी, और 1/1 करने से क्या हो जाएगा, इट इज ए बी, ये आ गया। माइनस को कॉमन ले लो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक्स बी में से ए बी नहीं घट सकता, एक्स बी छोटी चीज है, छोटी चीज से बड़ी चीज नहीं घट सकती है, ए बी में से एक्स बी घट सकता है, तो इसलिए आप क्या करें कि माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने से √2+ हो जाएगा, और √2 नीचे, यहां पर भी माइनस कॉमन ले लो तो ए बी प्लस हो जाएगा और एक्स बी माइनस हो जाएगा, और ये ए बी, अब ये माइनस माइनस से कट गया। अब जरा चेक करो कि ए बी में से एक्स बी गया तो क्या आ गया, जैसे कि आपके पास ये फिगर है और इसमें
ये है एक्स वाई, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी। तो ए बी में से एक्स भी गया, तो क्या बचा ए एक्स, तो आप ए एक्स लिख लें। रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, इट इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए बी, ये चीज हो गई। सो यहां तक तो बात सही है, लेकिन नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइजिंग, इसलिए रेशनलाइजिंग बोथ साइड, नीचे को रेशनल बना दो। तो कैसे करेंगे, रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू और इनटू रूट टू ऊपर और रूट टू नीचे। पूछा आपसे ए एक्स अपॉन ए बी ही गया है, सो ये आपको पता करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ए एक्स अपॉन ए बी ही दिया है, यही हम पता कर रहे हैं। तो जब रेशनलाइज करोगे तो नीचे रूट टू मिल के टू बन जाएंगे, और ऊपर रूट टू का रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू, और रूट टू का वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा रूट टू। तो इस तरीके से ए एक्स बाई ए बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, यही आंसर है। इसमें आप लिख दें दिस इज आंसर। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया, सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक एंगल कॉमन ले लिया और इनको करस्पॉन्डिंग ले लिया, और फिर एरिया थ्योरम लगा दी। सिमिलर होते ही, डबल ए सिमिलैरिटी होते ही एरिया थ्योरम लगा दी, एंड आफ्टर दैट नाउ एरिया थ्योरम लगाने के बाद, यही है एरिया थ्योरम, फिर जो फुल एरिया है वो हाफ का डबल होता है, वो वैल्यू आने के बाद हमने माइनस वन कर दिया, इतना ही करना है, और फिर माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि छोटे से बड़ा तो घट नहीं सकता, तो और फिर रेशनलाइज कर दिया। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लोगों ने एरिया थ्योरम का प्रूफ देखा, और उसके बाद एक क्वेश्चन देखा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाएंगे। नाउ 6.4 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।